इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्स, जो हमारा रिसोर्स के जो टाइप्स थे उसका सेकंड पार्ट है। हमारी जो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें हमने कंप्लीट कर चुके हैं रिसोर्स और उसकी जो टाइप्स। में से हमारा हुआ था नेचुरल रिसोर्सेज, और हमने वैल्यू, पेटेंट, यूटिलिटी, ये डेफिनेशंस देखी थी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी कि कैसे ये दोनों हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के नाम से ही आपको पता चल रहा है, वो रिसोर्सेज जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाए हुए हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल सब्सटेंसेस जो क्या हो जाते हैं, रिसोर्सेज बन जाते हैं। यानी क्या कि जैसे कि अगर कोई भी नेचुरल सब्सटेंस है उसके ओरिजिनल फॉर्म को ह्यूमन के द्वारा जब उसको चेंज कर दिया गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ह्यूमन मेड रिसोर्स हो जाएगा। अब जैसे इसने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आयरन, देखिए पहले हमें नहीं पता था ना कि आयरन और क्या होता है, क्या इसके रिसोर्सेज इसके कैसे बन सकते हैं, किन किन चीज़ों में आयरन हमारा यूज़ हो सकता है। तो यही कह रहा है कि जो आयरन है वो एक रिसोर्स था, वो हमें नहीं पता था जब तक हमने इसके बारे में नहीं जाना। बट जब हमने इसके बारे में रिसर्च करी तब हमें पता चला कि आयरन को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखो नेचुरल रिसोर्सेज का पीपल ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। किन किन चीज़ों में, बिल्डिंग्स में, ब्रिजेस में, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स, इन सारी चीज़ों में ह्यूमन ने क्या कर दिया, नेचुरल रिसोर्सेज का जो यूज़ है वो स्टार्ट कर दिया। और इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। अब यानी क्या कह रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। अब टेक्नोलॉजी ह्यूमन मेड रिसोर्स कैसे है, अब देखिए जैसे जैसे आपने पहले भी वाली वीडियो में देखा था हमने कि जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी को क्या कर रहे हैं, एडवांस करते जा रहे हैं टाइम के साथ साथ, तो वैसे ही क्या हो रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज इम्प्लीमेंट होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे साइड बॉक्सेस दिए हुए हैं, ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। जब आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो इन सारे क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आगे क्या है, नेक्स्ट जो हमारा रिसोर्स का टाइप है वो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स में ये क्या बोल रहा है कि पीपल जो है वो रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं नेचर के थ्रू, और वो अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। किसका यूज़ करते हुए, नॉलेज, स्किल एंड उसकी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए। अब आपको पता है कि जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन क्या करता है, अपना जो नॉलेज है, अपनी स्किल है, इन सारी चीज़ों को यूज़ करता है, अपनी टेक्नोलॉजी में लाता है। आपको पता है हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रही है, तो वो सारी जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कर रहा है, नेचर के जो रिसोर्सेज हैं, तो वो कौन से रिसोर्स हो जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स हो जाएंगे। आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के अंदर। ह्यूमन मेड में क्या था कि हमने रिसोर्सेज को अपने अकॉर्डिंग चेंज किया था, ठीक है। हमारी हमारी जैसे जैसे यूजफुलनेस बढ़ती जाएगी तो हम उसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या था, हमें पहले पता नहीं था। बट ह्यूमन रिसोर्स में हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा नॉलेज और स्किल का यूज़ करते हुए हमने टेक्नोलॉजी बनाई है वो क्या है, हमारी ह्यूमन रिसोर्स। ये टोटली किस पे डिपेंड है, ह्यूमन पे, और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, एक स्पेशल रिसोर्स। किसको, ह्यूमन को। तो ह्यूमन बीइंग क्या है, एक स्पेशल रिसोर्स है। और पीपल जो है ह्यूमन रिसोर्सेज के काफ़ी एडिक्टेड हो चुके हैं, वो काफ़ी चीज़ों को जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो हम बना रहे हैं उससे अपना जो आगे का काम है वो कर रहे हैं। अब आगे क्या कह रहा है कि एजुकेशन एंड हेल्थ ये क्या है, काफ़ी वैल्यूएबल है पीपल के लिए। विदाउट एजुकेशन, देखिए आपको पता है कि हमारी जो स्टडी है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, और बिना हेल्थ के भी हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आज आप फिज़िकली फ़िट नहीं हो तो आप अच्छे से अपना किसी भी चीज़ में इनपुट नहीं दे सकते। अगर आप इनपुट अच्छे से नहीं दोगे तो आपका आउटपुट नहीं आएगा। अब ये क्या कह रहा है कि जो पीपल के स्किल की जो स्किल हैं वो क्या करते हैं, हमने रिसोर्सेज बनाने में हेल्पफुल करते हैं, इसी वजह से हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट डेफिनेशन आपको क्या मिल गई यहाँ से कि इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन बींग जो हैं, पीपल जो हैं, उनके स्किल्स को बढ़ाना, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, जिससे क्या होगा, हमारे और रिसोर्सेज बनेंगे, और उसे हम क्या कहेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और आपको पता है कि जो पीपल की जो क्वालिटी है वो कैसे बढ़ती है, वो बढ़ती है हमारी एजुकेशन से, अच्छी वैल्यूज से, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है हमारा कंजर्विंग रिसोर्सेज। कंजर्विंग रिसोर्सेज के नाम से हमें क्या पता चल रहा है, रिसोर्सेज को हमें क्या करना है, कंजर्व करना है, यानी बचा कर चलना है। अब ये आपको ये इमेज दिख रही है, इसमें क्या कर रही है, मोना
रात को एक सपना लेती है जिसमें वो देखती है कि जो हमारी अर्थ है वहाँ पर सब कुछ सूखा पड़ गया है पानी के बिना, और सारे जो ट्रीज़ हैं वो हमारे क्या हो चुके हैं, कट चुके हैं। कुछ भी अगर ट्रीज़ जो हमारे कट हो जाएंगे तो उससे हमें छाया नहीं मिलेगी, और क्या कह रही है कि हमारे को खाने के लिए पीने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो पीपल क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं। और वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं किसकी तलाश में, फूड की और छाया की। रोमिंग मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमना। अब ये छोटे छोटे वोकैब जो वर्ड्स होते हैं ये आपकी वोकैब को इम्प्रूव करते हैं, तो आप इन चीज़ों पे ध्यान दिया करें। रोमिंग का मतलब क्या है हमारा, एक जगह से दूसरी जगह घूमना। अब ये अपनी मम्मा को अपने सपने के बारे में बताती है, तो इसकी अम्मा क्या करती है, रिप्लाई कर इससे पूछती है क्या सच में ऐसा हो सकता है। तो इसकी मम्मा इसको रिप्लाई करती है कि हाँ सच में ये ऐसा हो सकता है, अगर जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको हम अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो ऐसा हो सकता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, फर्स्ट पार्ट में इसकी डेफिनेशन करवाई थी, कौन से रिसोर्सेज होते हैं जो क्या है हमारे पास, हमें पता है जिनको हम रीन्यू कर सकते हैं और दोबारा से रिप्लेनिश कर सकते हैं, वो कौन से रिसोर्सेज होते हैं, हमारे रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। अगर हम इनका अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। ऐसे ही क्या है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, तो आपको पता है कि ये क्या है, बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि पेट्रोलियम हमने देखा था कि उसका जो स्टॉक है वो क्या है, लिमिटेड है। अब आगे ये क्या बता रहा है कि इन रिसोर्सेज को अच्छे से अगर हम यूज़ करेंगे और इनको टाइम देंगे रीन्यू होने के लिए, तो वो हमारे क्या हो सकते हैं, रिसोर्स कंजर्व हो सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास रिसोर्स कंजर्वेशन की डेफिनेशन आ गई है। अब आगे क्या देखिए दे रहा है ये, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बता रहा है। सस्टेनेबल की डेवलपमेंट की भी आपको डेफिनेशन यहाँ से मिल रही है। अब देखिए हमने रिसोर्सेज को कंजर्व करना तो सीख लिया कि हम अच्छे से अगर इसका यूज़ करेंगे, इसको रीन्यू होने के लिए टाइम देंगे, तो रिसोर्स क्या हो सकते हैं, हमारे कंजर्व हो सकते हैं। और रिसोर्स कंजर्व जब ये सारी प्रोसेस चल रही है तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, अच्छे से डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या कह रहा है कि जो रिसोर्सेज है उसका जो यूज़ है वो हमने इतना ही करना चाहिए, उतनी बैलेंस मैनर में करना चाहिए जितना रिक्वायर्ड है, और इनको कंजर्व करना चाहिए फ्यूचर की जनरेशन के लिए। अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो आप इसका एक टर्म दे सकते हैं इसको, और वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये देखिए ग्लोसरी में भी आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक डेफिनेशन दे रखी है। क्या बोल रहा है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं एट प्रेजेंट उनको अगर हम अच्छे से चलाएंगे और उनका प्रॉपर यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे उनको, तो वो हम आगे वाली जनरेशन के लिए उनको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो ये टर्म हमारी क्या कहलाएगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्स को कंजर्व करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे हम क्या कर सकते हैं, इनका कंजम्पशन कम कर सकते हैं। कंजम्पशन मतलब क्या, जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन कहते हैं। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, इनको रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी क्या हो गई, हमारे तरीके हो गए कंजर्व करने के लिए रिसोर्सेज को। तो ये सारा जब उसकी अम्मा ने उसको बताया कि कैसे हम रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो वो उसी शाम को वो चिल्ड्रंस क्या करते हैं, अपना पैकेट्स जो हैं पैकेट्स बनाते हैं। जैसे कि अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आप वहाँ क्या देखते हैं कि कुछ लोगों ने वहाँ पे क्या ले रखे होते हैं, पॉली बैग्स ले रखे होते हैं, तो वो उनको हम क्या कह सकते हैं, शॉपिंग बैग भी कह सकते हैं, या फिर अपने पैकेट्स ले जाओ अपने घर से ही। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हम अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि देखिए अगर आपके पास कोई जैसे क्लोथ है वो आपका अब यूज़ में नहीं है, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, अपना पॉली बैग बना सकते हैं। अगर आपकी मदर जैसे सब्जी लेने जा रही है, कुछ भी लेने जा रही है बाहर सामान, तो वो अपना पॉली बैग लेके जा सकती हैं और अपना सामान उसमें डलवा कर ला सकती हैं। तो ऐसे ही क्या करते हैं, ये बैम्बू स्टिक से क्या कर सकते हैं, हम अपनी बास्केट बना सकते हैं और बास्केट में सामान ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से देखी। अभी ये जो स्टोरी है इसमें यही बता रखा है कि जैसे ही उसकी अम्मा ने रिप्लाई किया तो बच्चे कैसे अपना काम स्टार्ट करते हैं, किस लिए करते हैं, हमारे रिसोर्सेज को सेव करने के लिए और हमारी अर्थ को अच्छे से आगे ले चलने के लिए। अब जैसी क्या रिप्लाई करती है, ठीक है, अब जैसे ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको ये अलग अलग छोटे छोटे पैराग्राफ दे रखे हैं, इनसे आप भी कुछ सीख सकते हैं और अपनी जो डेली लाइफ है उसमें यूज़ कर सकते हैं। क्या चीज़ है इसमें कि क्या कह रही है,
मैं जो पेपर है वो वेस्ट नहीं करूँगी। मतलब क्या है, आपको पता है कि पेपर जो है वो किससे बनते हैं? हमारे ट्रीज से बनते हैं। अगर आप अपने पेपर को अच्छे से यूज़ करेंगे, उसको ऐसे ही यूज़ करके, थोड़ा सा यूज़ करके नहीं फेंकेंगे, तो उससे क्या होंगे, हमारे पेपर सेव होंगे। और अगर हमारे पेपर सेव होंगे तो इसी मैनर में आपके क्या सेव हो जाएंगे, ट्रीज सेव हो जाएंगे। तो मुस्तफ़ा भी क्या कहती है कि ठीक है, मैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो है घर में उसको सेव कर सकती हूँ। मतलब अगर जब मुझे रिक्वायरमेंट होगी तभी मैं क्या करूँगी, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करूँगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी। इससे क्या कर सकते हैं आप, अपने वाटर और कोल को सेव कर सकते हैं। अब आगे क्या है, आशा क्या कहती है, ठीक है कि मैं जो हमारे घर में जो पानी आता है उसको क्या करूँगी, वेस्ट नहीं होने दूंगी। और आपको पता है, अगर आप अपने जैसे पानी को वेस्ट नहीं होने देंगे, तो हमारा पानी क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो प्रीशियस है हमारा पानी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस। तो ये सारे क्या कहते हैं कि हाँ, हम सभी मिलके ये काम करेंगे और इससे हमारी जो जो लाइफ है आपकी, उसमें क्या आएगा, काफ़ी चेंज आएगा। अब आगे आपको ये बता रखा है कि जो हमारा प्लेनेट है अर्थ, वो क्या है, हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमें इसको क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें नेचर जो है वो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। और अगर हम उन चीज़ों का ऐसे ही गलत यूज़ करने लग जाएंगे या ज़्यादा यूज़ करने लग जाएंगे, तो वो कल को ख़त्म हो सकते हैं। इस वजह से आप क्या क्या स्टेप ले सकते हैं, हमारी देखिए ये बता रखा है, इट इज़ आर ड्यूटी टू एंश्योर दैट, ये हमारी ड्यूटी बनती है, और हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए, किन किन चीज़ों को, जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, सस्टेन करके चलना चाहिए, ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही यूज़ करना चाहिए। जो डाइवर्सिटी है अर्थ की, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, तो हमें उसको क्या करनी चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। डाइवर्सिटी विभिन्नता मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको अलग अलग टाइप्स की चीज़ें मिलती हैं, अलग अलग जगह जाते हैं आप, तो जैसे कि ह्यूमंस जो हैं वो एक सोसाइटी में रहते हैं, एनिमल्स जो हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, तो ये क्या है, डाइवर्सिटी है हमारी लाइफ की, मतलब अर्थ पे जो लाइफ है उसकी। अब ये क्या कह रहे हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट जो है हमें उसको क्या नहीं करना चाहिए, ख़त्म नहीं करना चाहिए। ये आपको कुछ प्रिंसिपल्स बता रखी हैं, और ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन में भी आ सकती हैं, तो आपको इनको ध्यान देना है, क्या क्या पॉइंट्स हैं इसके अंदर, कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और केयर करनी चाहिए हमारी जितनी भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, वही चीज़ें हमारी फॉर्म्स ऑफ लाइफ। आगे ये क्या कह रहे हैं कि हमने क्या ह्यूमन लाइफ की जो हमें क्वालिटी है वो क्या करनी चाहिए, इम्प्रूव करनी चाहिए, कंजर्व करनी चाहिए हमने अर्थ की वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी को, हमने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कम से कम करना चाहिए, अपना जो पर्सनल एटीट्यूड है कि नहीं कुछ नहीं होता, चलता रहने दो, ये सारी चीज़ें हमें नहीं रखनी चाहिए। हमारा एटीट्यूड अच्छा करना चाहिए, पॉजिटिव करना चाहिए, जिससे हमारा क्या होगा, एनवायरनमेंट अच्छा होगा, सेफ होगा। आगे क्या कह रहा है ये कि हमारे जो एनवायरनमेंट है उसकी, हमारी जो कम्युनिटी है, हमारे जो ह्यूमन जो कम्युनिटी है आपकी, उसको क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे क्या हो सकता है, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा हो सकता है। सो ये आपका चैप्टर कंप्लीट।